हेलो एवरीवन, दिस इज मी साविया हर। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग, जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आने वाले दिनों में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपनी लाइफ में आने वाले कुछ टाइम में। आने वाले कुछ टाइम में मीन्स लेस देन अ वीक टाइम, सो नेक्स्ट 7 डेज में क्या होने वाला है आपकी जिंदगी में, लेट्स फाइंड आउट। जस्ट बी माइंडफुल कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर ही सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं, उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी क्या होने वाला है आपकी लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज के अंदर अंदर। वी डू हैव फोर ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सोल्स। अच्छा, मुझे लग रहा है कि आपकी बहुत अच्छा एक टाइम स्पेंड होने वाला है अपनी फैमिली के साथ, अपने स्पेसिफिक समवन के साथ। बहुत ही इमोशनली फुलफिलिंग एक्सपीरियंस आप अपनी जिंदगी में जियोगे नेक्स्ट 7 डेज के अंदर अंदर। मुझे लगता है कि आप किसी चीज़ के लिए वर्क कर रहे हो, यू आर वर्किंग टूवर्ड्स इट, यू आर टेकिंग एक्शन टूवर्ड्स इट। और जो भी एक्शन आप ले रहे हो, जो भी काम आप कर रहे हो, उसका सक्सेस आपको यू नो यू विल गेट द सक्सेस आउट ऑफ इट। तो कोई भी एफर्ट कर रहे हो, कोई भी कोशिश कर रहे हो, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा आप दोनों के दरमियान में थोड़ा एक सिचुएशन कोई भी चीज़ जिसके लिए आप एफर्ट कर रहे हो, चाहे वो लव है, वर्क है, होम लाइफ है, करियर है, जिसके लिए भी आप एफर्ट कर रहे हो, उसमें हो सकता है कि थोड़ा आपको इश्यूज से डील करना पड़े, लेकिन जस्टिस विल बी सॉल्व्ड टू यू। सो इवेंचुअली आपको आप इस इशू से को रिजॉल्व कर पाओगे और इस इशू से निकल पाओगे। सो अगर कुछ ऐसा है जो कि आपको राइट नाउ स्टिल आप बॉदर्ड फील कर रहे हो और आपको लग रहा है कि चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं जैसे आप चाह रहे हो और आप स्ट्रेस्ड आउट हो, तो जस्ट नो कि आपका आउटकम जो है वो आपके फेवर में आ जाएगा ड्यूरिंग दिस वेरी टाइम फ्रेम। सो आपको वरिड होने की ज़रूरत नहीं है। सो मुझे लग रहा है कि जो एक मेजर चेंज मैं कह सकती हूँ वो ये है कि आप किसी फाइट, आर्ग्यूमेंट, डिसएग्रीमेंट की वजह से अपसेट हो सकते हो, और या तो ऑलरेडी आप हो चुके हो और आपको लग रहा है कि यू डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू हैंडल इट, लेकिन अल्टीमेटली सिचुएशन आपके हक में बेहतर हो जाएगी। सो आपको वरिड रहने की या होने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सो चीज़ें आपके हक में बेहतर हो जाएंगी। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपको एक नया होप ज़रूर दिखेगा अपनी सिचुएशन को बेटर होते देखने में। और आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो तो रिकन्सिलिएशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं यहाँ पर। कोई आपको पास का पर्सन रीच आउट भी कर सकता है। अगेन, अगर कोई ऐसा पर्सन आपको रीच आउट करता है फ्रॉम द पास्ट, तो डेफिनेटली वो आपको मिस कर रहा है, वो आपके बारे में सोच रहा है। उसकी और आपकी आर्ग्यूमेंट फाइट हुई हो सकती है, बट नाउ दे वांट टू रिकनसाइल विद यू। आप दोनों के दरमियान में जो भी लोग थे, जो भी सिचुएशंस थी, वो खुलकर सामने आ चुकी हैं। आपके पर्सन आपसे आपको चाहते हैं इन दैट सिचुएशन, और जो भी इशू क्रिएट हुए थे आप दोनों के दरमियान में, वो रिजॉल्व हो जाएंगे। सो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव आउटकम आपको आता दिखेगा आपकी ज़िंदगी में, चाहे वो लव से कनेक्टेड है या होम लाइफ से कनेक्टेड है। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि यू आर रियली वरिड अबाउट समथिंग, और आपको लगता है कि शायद चीज़ें आपके फेवर में नहीं जाएंगी। लेट मी टेक वन लास्ट कार्ड अराउंड दैट, जो कि आपको स्ट्रेस कर रहा है, जो भी आपको चीज़ स्ट्रेस आउट कर रही है, उसका आउटकम क्या होने वाला है आने वाले 7 दिनों में, उसका आउटकम क्या होने वाला है। जो भी चीज़ आपको स्ट्रेस आउट कर रही है राइट नाउ, उसका आउटकम आने वाले 7 दिनों में क्या होने वाला है, लेट्स सी। आपको गुड न्यूज़ मिलेगी जिससे आप थोड़ा अपने आप को बेटर फील करोगे। जो सिचुएशंस ख़राब होती दिख रही थी आपको कि शायद ख़राब हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, वो सही हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। सो अगर आपका रिकन्सिलिएशन, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, तो रिकन्सिलिएशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। पर्सन रीच आउट कर सकता है आप ऐसे कुछ लोगों के लिए, और इस अवेयरनेस के साथ, एहसास के साथ कि रिलेशनशिप काफ़ी मीनिंगफुल है उनके लिए भी, और कहीं ना कहीं आप दोनों से गलतियां हुई हैं जिसको आप दोनों मिलकर सुधारने की कोशिश करोगे। सो ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। लेट्स सी कि और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप आने वाले 7 डेज के अंदर अंदर अपने सिचुएशन में। क्या होगा आपकी लाइफ में आने वाले 7 डेज में, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट 7 डेज के लिए। एक सेकेंड, इन कार्ड्स को हम पहले उठा लेते हैं। So we could make room for new cards. Next 7 days में क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। कंसील्ड पावर गिव बर्थ टू अ वंडर ऑफ रेवलेशन। के आपके पास बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा ऐसा इंफॉर्मेशन, ऐसा नॉलेज, ऐसी पावर, ऐसी साइकिक एबिलिटीज़ हैं आपके पास
जो कि काफी कुछ आपके लिए आसान कर सकती हैं। मुझे लगता है कि अगर आप अपनी पावर्स, अपनी इनर पावर्स को यूज करो, तो आपकी लाइफ में काफी ज्यादा चेंजेस आ सकती हैं, और जो कि आपकी जिंदगी को फॉर गुड, फॉर बेटर जो है वो चेंज करेंगी, ट्रांसफॉर्म करेंगी आपकी जिंदगी में। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मामला ऐसे हैं जो कि आप आपको आपको लग नहीं रहा कि आपके कंट्रोल में है, लेकिन अगर आप चाहो तो वो सब कुछ आपके कंट्रोल में आ सकता है। लेकिन आपको हर चीज़, हर स्टेप अपनी ज़िंदगी का प्यार से लेना पड़ेगा, सोच समझ कर, प्यार से, रिस्पेक्टफुली लेना पड़ेगा। आप फाइट और आर्ग्यूमेंट से कुछ भी हासिल नहीं कर सकोगे। सो अगर आपके किसी भी पर्सन से फाइट हुई है, आर्ग्यूमेंट हुआ है, मेक श्योर कि आप प्यार से इस चीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करो। प्यार से अगर करोगे तो वो रिजॉल्व हो जाएगा। मैटर जो भी है, आपकी जिस एक्चुअल पावर है दैट लाइज विद इन पीस। सो अगर आप पीसफुल रहकर मैनिफेस्ट करना चाहो कुछ, तो वो आराम से हो जाएगा। मैनिफेस्ट का अगर वर्ड मैं ना यूज़ करूँ तो शायद ज़्यादा लोगों को समझ आएगा, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ के लिए अगर आप कुछ कह रहे हो या कोई बात कर रहे हो, कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है, उसमें अगर आप पीसफुली लव अपनी 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 लैंग्वेज को थोड़ा सॉफ्ट रखकर किसी से बात करोगे, तो वो आपकी बात मानेगा, सुनेगा भी। लेकिन अगर आप फाइट करोगे, आर्ग्यू करोगे, तो अगला पर्सन और चढ़कर गुस्सा करेगा आपके ऊपर। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है टू नो एंड अंडरस्टैंड फॉर यू। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं आने वाले 1 हफ्ते के अंदर, जो कि आपकी ज़िंदगी में आपकी प्रेफरेंस जो है लाइफ में राइट नाउ, उसको भी बदल देंगे। आपका आपके लिए काफ़ी ज़्यादा, आपका वेलबींग ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपकी लाइफ का बैलेंस मेंटेन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो आप कहीं ना कहीं अपने आप को उस लेवल पर ले आओगे जहाँ पर आप किसी भी चीज़ से घबराओगे नहीं, डरोगे नहीं। आपको लगेगा कि आपकी जो पावर है ना, वो आपके साथ है, आपका डिवाइन के ऊपर बिलीफ आपके साथ है, आपका जो इनर पीस है जो आपने मेंटेन करना है थ्रू थिक एंड थिन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ शायद आप रियलाइज कर जाओगे, और ये भी एक पॉजिटिव चेंज है आपके अंदर करंट सिचुएशन में, जिससे आपकी ज़िंदगी में जब आप लविंग एनर्जी में होते हो या लव या पीस की एनर्जी में होते हो, तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हो। कभी भी किसी भी फाइट आर्ग्यूमेंट से आप कुछ अचीव नहीं कर सकते, आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी ही मिलेगी और कुछ भी पॉजिटिव नहीं कर पाओगे। सो प्यार की एनर्जी जो है वो सबसे हाईएस्ट ऑफ ऑल है। तो कोशिश करो कि यू ऑलवेज फील एट पीस एंड लव फॉर योर सेल्फ। जब आप ये सब करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके लिए रास्ते निकलेंगे, जिस तरह से आप चीज़ें जो करना चाहते हो वो हो जाएंगी। आपको फ्रस्ट्रेटेड होने की ज़रूरत नहीं है, फेथ मेंटेन करने की ज़रूरत है। सरेंडर करो अपने इश्यूज, कंसर्न्स डिवाइन को, और चीज़ें वर्कआउट और अच्छे से होना शुरू हो जाएंगी, और आपके कंसर्न्स जो है वो खुद ब खुद गायब होना शुरू हो जाएंगे। आप जिस चीज़ को लेकर परेशान हो, चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। सो या लेट्स सी और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप नेक्स्ट 7 डेज के अंदर अंदर, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपनी लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज के अंदर अंदर, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या होने वाला है आपकी लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज में, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट कमिंग थ्रू फॉर यू। गार्डेड वल्नरेबिलिटी, रिलीज सरेंडर, सन स्ट्रेंथ एम्पावरमेंट, अंडर द डेक वी डू हैव एस ऑफ कप्स। अगेन आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो गए, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि आप अपने आप को अपनी करंट सिचुएशन को सरेंडर करना जानोगे, सीखोगे। अगेन आपके अंदर उस चीज़ से इतनी ज़्यादा एम्पावरमेंट आपको फील होगी, आप इतना ज़्यादा अपने आप को स्टेबल फील करोगे, एम्पावर्ड फील करोगे, स्ट्रांग फील करोगे, कि जो राइट नाउ आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो। आपके इमोशंस, आप उनको उनसे भागोगे नहीं, आप अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करोगे, आप अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करोगे फॉर व्हाट दे आर, बट एट द सेम टाइम आप अपने आप को गार्डेड रखोगे। आप अपने इमोशंस को हावी होते हुए अपने आप को स्टूपिड डिसीजंस नहीं लेने दोगे। आप माइंड को जहाँ पे माइंड यूज़ करना है वहाँ पे आप माइंड यूज़ करोगे, जहाँ पे हार्ट यूज़ करना है वहाँ पे आप हार्ट यूज़ करोगे। बहुत ज़्यादा एक समझदारी वाले डिसीजंस आप लोगे, क्योंकि अब जो आपको समझ है अपनी लाइफ की, अपने पर्सपेक्टिव्स की, अपनी लाइफ के डिफरेंट इश्यूज और एंगल्स को लेकर, मुझे लगता है कि वो आपको पहले कभी भी ऐसा नहीं था। अब कहीं ना कहीं कुछ लोगों को आपको आपको देख के लगेगा दे आर गोइंग टू पिक अप एज इफ यू आर गार्डेड नाउ, लेकिन एक्चुअली में इट्स नॉट बीइंग गार्डेड, इट्स मोर अबाउट कि यू आर अवेयर कि कौन सही है कौन गलत है, आपने किससे डिस्टेंस रखना है किससे नहीं। सो यू वुड नो योर बाउंड्रीज वेल। सो ये चेंज आपके अंदर एक बहुत पॉजिटिव चेंज रहेगा। अगेन आपका किसी स्पेसिफिक समवन के साथ जो कनेक्शन है उसमें काफ़ी ज़्यादा पैशन और केमिस्ट्री आते देखोगे, बट अगेन ये जो पैशन और केमिस्ट्री है ये आपको आपकी लाइफ में कभी प्रायोरिटाइज नहीं आप करोगे आने वाले टाइम में। मुझे लगता है कि जो आने वाला टाइम होगा उसमें आपकी टॉप प्रायोरिटी आप होगे, क्योंकि यू हैव बीन थ्रू अ लॉट,
यू डोंट वॉन्ट टू गो थ्रू दैट अगैन. सो कहीं ना कहीं आप अपने गार्ड्स स्टिल, नो मैटर वट हैपन्स, आप अपने गार्ड्स अप ही रखोगे थोड़ा. आप अब किसी को भी, जैसे मैंने कहा ना पहले, शायद यू पुट पीपल ऑन द पेडेस्टल, बट अब आप ये नहीं करोगे, अब आप अपने आप को टॉप प्रायोरिटी पे रखोगे, एंड दैट्स हाउ यू गोना गो अबाउट लाइफ. सो ये चेंजेस जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में आप आने आते देखोगे नेक्स्ट 7 days में. और ये है रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिला हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. चलिए तो नेक्स्ट 3, टेक केयर, बाय.